जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार YouTube चैनल संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, जहां पे चीज़ें रटाई नहीं जाती है, चीज़ें हम क्या करते हैं, चीज़ें सिखाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे हैं। आज है पार्ट 17 और अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले जो वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिले तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिएगा, तभी आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, अन्यथा आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला जो अपना क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं और आज देखने वाले हैं 51, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो हमेशा की तरह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाला है और काफ़ी अच्छे और शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। निम्न समीकरण में से दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? यहाँ पे पूछा गया है एक्स का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसमें एक्स का वैल्यू बताना है। निम्न समीकरण में से दोनों प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? ऑप्शन है 106, ऑप्शन नंबर सेकंड है 96, ऑप्शन नंबर थर्ड है 98 और ऑप्शन नंबर फोर्थ 92। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों कि जो एक्स है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, यानी कि दोनों जगह पे क्या आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको काफ़ी शानदार मेथड है इसका सॉल्व करने का। यहाँ पे दोस्तों देखिए, एक्स अपॉन कितना है 128 इज इक्वल टू 22 अपॉन कितना है एक्स है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए इसको जब हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 128 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको 72 को अगर तोड़ते हैं हम लोग तो कैसे टूटता है 72, देखिए यहाँ पे। अगर 72 की गुणनखंड की बात करें तो 72 का जो गुणनखंड होता है 6 × 6 × 2, यानी कि 6 × 6 = 36 और 36 × 2 = 72। उसके बाद में दोस्तों अगर इसको तोड़ते हैं, 128 को तोड़ते हैं हम लोग, तो 128 को तोड़ने के लिए 2 × 8 × 8 यानी कि 2 × 8 = 16 और 16 × 8 = 128 होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है तो एक्स स्क्वायर का मतलब कि जो भी कॉमन इसमें आ रहा है उसको हम लोग सिंगल डिजिट के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 2 × 8 यानी कि इसको अगर हम लोग गुणा करते हैं 6 × 2 = 12 और 12 × 8 कितना, 12 × 8 = 96 होता है दोस्तों। 96 इज द राइट आंसर। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी शानदार है, बोल रहा है श्रीकांत। 52 नंबर क्वेश्चन, श्रीकांत विविध क्रमशः 1,85,000 तथा 22,500 का निवेश करते हैं। श्रीकांत हैं और विविध हैं जो कि अपने राशि को निवेश करते हैं, उनका राशि 1,85,000 है और एक जो विविध का राशि है 22,500 का निवेश करते हैं और निवेश में एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि कमाए गए कुल लाभ में विविध का भाग 9,000 रुपया है तो इसमें विविध का भाग 9,000 रुपया दोस्तों बताया जा रहा है कि जब कमाते हैं दोनों तो विविध का भाग कितना होता है, 9,000 रुपया होता है। तो बताना है कि कमाया गया कुल लाभ कितना है, यानी कि कुल लाभ टोटल कितना दोनों मिलकर कमाए हैं। यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार मेथड से दोस्तों। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे 1,85,000 दिया हुआ है, किसका, विविध का 1,85,000 दिया हुआ है, श्रीकांत का दिया हुआ है। और अगर हम इन दोनों की रेशियो की बात करें तो श्रीकांत और विविध का रेशियो, ये विविध का जो है 22,500 है
10 से 10 और 10 से 10 इसको काट देते हैं। अगर इसको काटते हैं तो जाता है 36 से, और इसको अगर काट देते हैं 5 से तो ये जाता है 45 से, इसको जाता है। यानी कि जो दोनों का रेशियो है, श्रीकांत और विविध का रेशियो है कितना आया, 37/45 इन दोनों का रेशियो आ गया। अब क्या करते हैं, अब बहुत ही शानदार मेथड है, देखिए इसको दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि क्या दिया हुआ है, दोनों का कुल पूंजी कमाया हुआ लाभ बताना है, तो दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये दोनों को अगर प्लस करते हैं तो 7/5 = 12 और 4/4 = 7 और 1/8 = 82 यानी दो जो टोटल पूंजी है 82 है। और विविध का भाग उसमें बताया गया है कि उसमें दिया हुआ है विविध का भाग 9,000 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है विविध का भाग कितना दिया हुआ है, 9,000 रुपया दिया हुआ है। तो टोटल कमाया हुआ लाभ पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो 45 है अपॉन में क्या हो जाएगा 82, यानी कि जो टोटल है, और विविध का भाग कितना दिया हुआ है, विविध का भाग ये टोटल जो है हमारा लाभ बताना है, उसमें विविध का जो हिस्सा है 9,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर क्या होगा कि जब हम लोग x = जब 9,000 को 82 से इधर, जब 82 को हम लोग इधर लाएंगे तो 82 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 45 अपॉन में हो जाएगा। कर देते हैं काटा पीटी इसको, 45 से अगर काटते हैं तो ये जाता है 45 × 90 यानी कि 200 बार में। तो ये x = कितना हो गया, x = 200 × 82 हो गया। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 × 4 और 8 × 16 यानी कि 1,64,000 जो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, 1,64,000 ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रकार गोल्फ का संबंध होल से है उसी प्रकार बेसबॉल का संबंध किससे है, बेसबॉल का संबंध बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जिस प्रकार गोल्फ खेला जाता है दोस्तों, जो स्टिक से खेला जाता है गोल्फ, उसका संबंध होल से है, उसी प्रकार बेसबॉल का संबंध आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया गया है अंक से, सर्व से, गोल से या पारी से। तो यहाँ पे जो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में जो बेसबॉल है इसका संबंध क्या होता है, बेसबॉल का संबंध पारी से होता है। पारी इज द राइट आंसर, 4th नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन, यदि क्लॉक को 3-4-2-3-5 की तरह तथा टाइम को 8-6-7-8-9 की तरह कूट किया जाए तो MOLE के यानी कि मोले का कूट क्या होगा। यहाँ पे बोला है दोस्तों, सिंपल बोला गया है कि क्लॉक को यदि इतना अंक में लिखा जाता है और टाइम को यदि इतना अंक में लिखा जाता है तो मोले को कैसे लिखा जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं काफ़ी इजी तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से। क्लॉक यहाँ पे दोस्तों लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्लॉक लिख देते हैं। और क्लॉक को क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्लॉक को लिखा गया है सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, सी आता है 3 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है दोस्तों और एल कितना आता है, लाइन कितना होता है, 12 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों 4 दिया गया है, यानी कि जो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड हम लोग नहीं लगाएंगे। आप लोगों को बस बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों ऐसा करते हैं कि जो मोलेक यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो यहाँ पे मोलेक दिया हुआ है उसमें देखते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, MOLE मोलेक दिया हुआ है तो इसको सिंपल लिख लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों यहाँ पे M को क्या लिखा गया है, M को 7 लिखा गया है, तो M की जगह पे हम लोग क्या दे देंगे, 7 लिख देंगे। O को क्या लिखा गया है, 3rd नंबर पे है, तो O को 3rd नंबर पे 2 लिखा गया है। उसी तरह से यहाँ L 2nd नंबर पे है, तो 2nd नंबर पे कौन सा अंक है, 4 है। और E की अगर बात करें तो यहाँ पे है 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे क्या है, 9 है। और अगर K की बात किया जाए तो यहाँ पे 5 है K का, यानी कि 7-2-4-9-5 4th नंबर जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, जो कि हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था कि शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, किस सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर फर्स्ट समवर्ती सूची राइट हो जाएगा। और हमारे संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है।
1976 से पूर्व दोस्तों शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन क्या हुआ कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और अगर बात करें भारत के संविधान की, तो जो हमारा संविधान है एक संघीय संविधान है, और जिसके कारण संविधान की जो हमारी सातवीं अनुसूची के अनुसार केंद्र व राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन होता है वह कितने तरीके से होता है, तीन तरीकों से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछता है। अब वो तीन तरीका दोस्तों कौन सा है, तीन तरीकों से विभाजित इसको किया जाता है, जिसमें पहला तरीका आ जाता है संघ सूची, और दूसरा तरीका आ जाता है राज्य सूची, और तीसरा तरीका आ जाता है समवर्ती सूची। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ जो है, अगर किसी चीज़ में अगर संघ में फैसला लेना है तो उसमें केवल संघ ही फैसला लेगी, यानी कि यूनियन, यहाँ पे यूनियन बोला गया है यूनियन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेट, और ये जो होता है दोस्तों ये दोनों का सम्मिलित रूप होता है समवर्ती सूची। यानी कि बात आता है कि अगर राज्य में फैसला लेना हो किसी चीज़ का, राज्य में फैसला लेना हो तो उसके फैसले को ये संघ सूची उसको कभी फैसला नहीं लेती है, राज्य सूची में ही फैसला लिया जाता है। और समवर्ती सूची इसलिए बनाया गया कि जब ये सब सूचियाँ बन रही थी तो बात ये आया कि संघ सूची में तो संघ द्वारा निर्णय लिया जाएगा और राज्य सूची में तो राज्य द्वारा निर्णय लिया जाएगा, लेकिन जो इन दोनों में नहीं आएंगे, जो ना ही यूनियन टेरेटरीज में आएंगे और ना ही स्टेट लेवल पर आएंगे, तो उनके लिए कौन निर्णय लेंगे, उनके लिए निर्णय के लिए किसको बनाया जाए, तो समवर्ती सूची को यहाँ पे रखा गया है, जिसमें कि शिक्षा को रखा गया है। 56 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है, ए बी सी डी तथा ई पांच नदियाँ हैं, जिसमें ए बी से छोटी नदी है परंतु ई से लंबी नदी है, सी सबसे लंबी नदी है तथा डी बी से थोड़ी सी छोटी नदी है परंतु ए से थोड़ी लंबी नदी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है बताना है। ऑप्शन है ई बी सी और ए, सबसे छोटी नदी बताना है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है ए बी सी डी और ई पांच नदियाँ हैं जिनमें क्या बोल रहा है, ए बी से छोटी नदी है, यानी कि ए बी से छोटी है बताना है, ए बी से छोटी है तो बी से छोटी है ए, तो ए को नीचे रख देंगे, बी से छोटी है। उसके बाद में यहाँ बोला गया है परंतु ई से लंबी है, परंतु ई से लंबी है, तो यहाँ पे ई बोला गया है कि ए के लिए ई बोला गया है कि ई से कौन लंबा है, ए लंबा है, तो यहाँ पे ई ए के नीचे हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बोला गया सी सबसे लंबी। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जो भी सबसे बड़ा होगा, जो भी सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, ऊपर होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। यानी कि बड़ी चीज़ें ऊपर होती है और छोटी चीज़ें दोस्तों नीचे होती है। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी से छोटी नदी है बोल रहा है, ए बी से छोटी नदी है, यानी कि बी से छोटा कौन है, ए है बी से छोटा, तो बी के नीचे ए हम लोगों ने रख दिया। उसके बाद में बोल रहा है परंतु ई से लंबी है, परंतु क्या बोल रहा है, ई से लंबी है। यहाँ पे ई दोस्तों जो शब्द आया हुआ है ई ए के लिए आया हो, जब भी आप लोगों को परंतु देखने को मिलता है तो परंतु शब्द जो होता है पहले वाले शब्द के लिए आया होता है, तो ई से लंबी है, यानी कि ए जो है ई से लंबी है, इसका मतलब है ई छोटी है, तो ई को हम लोग नीचे रख देंगे। उसके बाद में आता है सी सबसे लंबी नदी है, सी सबसे लंबी नदी है तो सी को हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे। अगला आता है डी बी से छोटी, डी बी से थोड़ी सी छोटी नदी है, डी क्या है, बी से थोड़ी सी छोटी है, तो बी से यहाँ पे रख देंगे हम लोग डी को। और परंतु, परंतु बोला गया यहाँ पे, परंतु क्या है, परंतु ए से थोड़ी छोटी है, परंतु ए से थोड़ी छोटी है, यानी कि ए से छोटी छोटी हो गया, एक दो तीन चार पाँच नदियाँ है, तो सबसे छोटी नदी कौन है, सबसे छोटी नदी यहाँ पे सबसे नीचे कौन है, ए ई, यानी कि ई इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन।
57 नंबर क्वेश्चन है, रतन टाटा के पश्चात टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में टाटा परिवार से किसे चुना गया था? रतन टाटा के पश्चात में टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में जो टाटा परिवार से किसे अध्यक्ष चुना गया था, इसका जो ऑप्शन है ओपी भट्ट है, साइरस मिस्त्री, नोयल टाटा और कुमार मंगलम बिरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन, साइरस मिस्त्री। रतन टाटा के पश्चात दोस्तों टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में टाटा परिवार से साइरस मिस्त्री को चुना गया था। और टाटा समूह के जो चेयरमैन रतन टाटा हैं, रतन टाटा जो थे 28 दिसंबर 2012 को साइरस मिस्त्री को नियुक्त कर दिया जाता है। कब किया जाता है, डेट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2012 को। और वर्तमान में जब 2 फरवरी की बात कर रहा है, टाटा समूह के अध्यक्ष नटराज चंद्रशेखरन है, 2 फरवरी 2018 की बात कर रहा है, 2 फरवरी 2018 के समय टाटा समूह के जो थे कौन थे, नटराज चंद्रशेखरन। और आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी टाटा समूह के जो वर्तमान में अध्यक्ष है 2020 में जो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं कौन हैं, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन, 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का स्थान आखिर से 17वां है तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या है। रवि का स्थान पूछा गया है, 39 छात्र हैं और 39 छात्र की कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। रवि, मान लीजिए कि ये रवि है और सुमित से 7 स्थान आगे है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नंबर पे कौन है, सुमित है, सुमित से 7 स्थान आगे है। उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग लिखते जाएंगे, यदि सुमित का स्थान आखिरी से 17वां हो, यानी कि ये जो है लास्ट है, लास्ट से सुमित का स्थान कितना है, 17वां है, यानी कि जो सुमित है कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे है। तो इसके पहले, सुमित के पहले जो होंगे, जो मान लीजिए कि सुमित से पहले अगर एक्स होंगे तो एक्स कितने नंबर पे होंगे, 16 नंबर पे। यानी कि बात करें कि सुमित से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 17, यहाँ तक 17 लोग थे। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन में आ रहा है कि स्थान आखिर से 17वां हो गया, तो प्रारंभ में रवि का स्थान क्या है, प्रारंभ में रवि का स्थान बोल रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 17 है और 17 दोस्तों यहाँ पे 17 के आगे क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 17 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 17 में अगर हम लोग 6 जोड़ते हैं तो आता है आपका 23rd आता है। और 23rd के पहले कितने लोग थे, तो 24rd के पहले टोटल 39 लोग थे। तो अगर हम लोग 23rd में अगर 16 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं, 39 लोग हो जाते हैं, 39 लड़के जो हैं हो जाते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या किए हैं कि रवि को दोस्तों 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो एक इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 25, यहाँ पे 16 में से एक माइनस कर देंगे तो 25 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको एक बहुत ही शानदार मेथड से, इसका जब भी ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिला, क्वेश्चन में जैसे ही आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला तो आप लोग क्या कीजिएगा, जितना टोटल दिया गया है उतना लिख दीजिएगा, जितना टोटल दिया गया है उतना लिख दीजिएगा और उसमें से जो स्थान है उसको जोड़ दीजिएगा। दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 39 - 17 - 7 = कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 15 राइट आंसर हो जाएगा, 15 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। इसका ऑप्शन दिया है नींबू, मिर्च, आंवला और संतरा। दोस्तों आप लोगों को बताना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्च। मिर्च विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन माना जाता है, आंवला को विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं। और अगर बात करें मिर्च की, तो हरी मिर्च में दोस्तों विटामिन के पाया जाता है, हरी मिर्च में क्या पाया जाता है, हरी मिर्च में विटामिन के पाया जाता है।
और अगर बात करें कि हरी मिर्च में विटामिन ए के अलावा उसमें विटामिन B6 भी होता है। हरी मिर्च में आयरन भी पाया जाता है, हरी मिर्च में कॉपर भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इतने सारे जो है हरी मिर्च में पाया जाता है। तो आप लोग आज ही से हरा मिर्च है खाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है। एक व्यक्ति है जो कि 2 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, तो वह 1 घंटा 20 मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ेगा। एक व्यक्ति है, उसको बोला गया दौड़ने के लिए, तो क्या बोलता है कि मैं 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ सकता हूँ, 1 सेकंड में 2 मीटर जा सकता हूँ। तो वह 1 घंटा 20 मिनट दौड़ता है तो कितना किलोमीटर दौड़ेगा आपको बताना है। डिस्टेंस बताना है कि कितना किलोमीटर दौड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर दोस्तों क्या होता है, समय इंटू स्पीड, यानी कि समय गुणे चाल डिस्टेंस बराबर। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट। इसको जब हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट को जब लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 20/60 हो जाएगा। इसको अगर काटते हैं तो 3 बार में कट जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.1/3, मतलब इसको जब हम लोग पूर्णांक को तोड़ते हैं तो 4/3 आवर इसका समय हो गया। और अगर बात करें चाल की तो 2 मीटर पर सेकंड चाल दिया हुआ है। अगर चाल को हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 36/5 किलोमीटर जो है जिसका पर जो किलोमीटर पर आवर है इसका स्पीड हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय इंटू चाल होता है, समय इंटू टाइम इंटू स्पीड होता है। तो टाइम कितना था आवर में, 4/3, और अगर चाल की बात करें तो 36/5। इसको काट देते हैं 12 बार में, 12 बार में अगर काटते हैं इसको, अगर 12 बार में इसको काटते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 × 48 हो गया और अपॉन में 5 × 5 = 45 और बचा कितना 30 × 5 = 31, इतना किलोमीटर जो दूरी है दौड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, दूरी दिया गया है 200 मीटर, एक लंबी रेलगाड़ी है और यहाँ पे एक 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, ये है प्लेटफॉर्म और ये है रेलगाड़ी, 200 मीटर इसकी भी लंबाई है और 200 मीटर इसकी भी लंबाई है। तो बताना है आप लोगों को कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप लोगों को पता है कि जब भी पैरेलल होता है, समानांतर होता है, तो चाल को हम लोग डिस्टेंस को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और अगर कोई ट्रेन विपरीत होता है, इधर से आ रही है और इधर से आ रही है, तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं चाल को, और अगर समानांतर होता है तो प्लस करते हैं दूरी को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चाल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसको समय निकालना है, कि क्या निकालना है, समय निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना दे रखा है, दूरी एक ट्रेन का 200 और एक प्लेटफॉर्म जो है उसका 200 दे रखा है। और अगर बात करें हम लोग जो स्पीड की, तो स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर जाएगा 18/72। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 400/ कितना होगा, 20 होगा, यानी कि काट देते हैं 20 बार में ये दो, तो 20 सेकंड में दोस्तों एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर जाएगी। अगला है 62 नंबर क्वेश्चन। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। कार्य शुरू करने के 2 दिन पश्चात 3 और पुरुष कार्य में भाग लेते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 पुरुष हैं, किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। लेकिन जब कार्य शुरू हुआ
उसके दो दिन बाद में क्या हुआ कि तीन पुरुष और आ गए, यानी कि दो दिन बाद में तीन पुरुष और आ गए, तो शेष कार्य जो है पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखते हैं हम लोग कि शेष कार्य दोस्तों पहले तो बचा कितना, तो टोटल छः दिन में पूरा करते थे और दो दिन काम कर चुके हैं, तीन लोग जो मिलके दो दिन काम कर चुके हैं, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम चार बचा। और कितने जो लोग थे शुरू में, लोग थे तीन, शुरू में कितने लोग थे तीन, और दो दिन काम करने के पश्चात कितने लोग आ गए, तीन, यानी कि टोटल लोग हो गए छः, टोटल लोग कितने हो गए छः। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो शेष कार्य चार हो, शेष कार्य पहले कितना करते थे तीन और शेष कार्य है चार, और टोटल जब आ गए उसके बाद में कितना लोग हो गए, छः लोग हो गए। इसको काट देते हैं दो से और इसको काट देते हैं दो से, यानी कि टोटल शेष काम जो है पूरा होने में दो दिन लगेगा। टू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे पूछा गया है। जो व्हाट दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन दिया हुआ है 16444, 16644, 16464 और 16446। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 7^5 - 7^3 दिया हुआ है, 7^5 - 7^3 क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करेंगे कि इसमें हम लोग देखते हैं 7^3 अगर कॉमन निकाल लेते हैं, 7^3 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो बचा कितना, 7^2 - 7^2 कितना, 1 बचा। 7^3 कितना होता है, 7^3 होता है 3 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7^49 और -1, यानी कि 7^49 यानी कि 1 48, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16464 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन में देखते हैं 16464 सेकेंड नंबर ऑप्शन जो कि राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 64 नंबर क्वेश्चन, मूलधन एवं एक वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात 10:12 है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है। यहाँ पे दोस्तों जो रेशियो दिया हुआ है 10:12 रेशियो दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा आप लोगों के एग्जाम में तो इसका डिफरेंस देखा जाता है कि डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 है। और एक वर्ष बाद प्राप्त राशि का अनुपात पूछा, प्राप्त राशि हो रहा है, कितना समय दिया हुआ है, एक वर्ष समय दिया गया है, एक वर्ष समय दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपल 2 अपॉन में ये जो पहला वाला जो 10 होता है इसको लिख देते हैं और अपॉन गुणे में 100 कर देते हैं परसेंटेज को निकालने के लिए। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो कितना होगा, 10^20% 20% राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो कि ऑप्शन है 20% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 65 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश कहा कि वह मृदा की इकलौती बेटी की बेटी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश बोलता है कि वह जो महिला है मेरे दादा की इकलौती बेटी की बेटी है, तो सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है, सुरेश का उस महिला के साथ संबंध बताना है। जल्दी से बताइए दोस्तों कि क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेश बोलता है कि वह महिला जो है सुरेश के दादा की इकलौती बेटी की बेटी है, तो सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है, जल्दी से बताना है। ऑप्शन है भाई का, चचेरा ममेरा या फुफेरे भाई का, चाचा या मामा का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे सबसे पहले सुरेश जी के यहाँ पे दादाजी हैं, सुरेश बोल रहा है कि सुरेश के कौन हैं, सुरेश के दादा, और सुरेश के दादा के जो इकलौती बेटी है कौन है, इकलौती बेटी है यहाँ पे बेटी है, इकलौती बेटी है, और इकलौती बेटी की जो बेटी है यानी कि इकलौती बेटी की एक बेटी है, उसका जो भाई, उसका जो बेटी है
तो उसका जो भाई है कौन है, सुरेश है, उसका भाई है सुरेश। यानी कि दोस्तों ये और ये, इन दोनों में रिश्ता किस चीज़ का हुआ, इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता हुआ। तो सुरेश पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, सुरेश उस महिला के साथ कैसे संबंधित है, तो सुरेश उस महिला के साथ भाई बहन का रिश्ता हो गया। यानी कि जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन। अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर कितने समय में 8000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपये की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जा रहा है और जो मूलधन दिया हुआ है यानी कि जो पी है वो जो अमाउंट है 8000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी कि अमाउंट दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 9261 हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। अमाउंट बराबर, आप लोगों को मैं फॉर्मूला बताया था कि अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 के पावर एन, जहाँ पे ये जो एन है वो क्या है, समय है। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, 9261 अमाउंट दिया हुआ है और पी कितना है, 8000 पी है और 1 प्लस 100 अपॉन, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि जो 10% दिया हुआ है, 10% कहने का मतलब यह है कि 10 अपॉन कितना होता है, 10 अपॉन 100 होता है, 10 अपॉन कितना होता है, 10 अपॉन 100 होता है। और जो अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कैसे लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। यानी कि इसे हम लोग क्या करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और समय अर्धवार्षिक है, 2n यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आता है, ये जो 9261 इज इक्वल टू 8000 जीव करते हैं इसको लिख देंगे। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो सॉल्व करते हैं तो ये 200 है, इसको काट देते हैं तो 21/20 यहाँ पे हो जाता है, कितना होता है 21/20, यहाँ पे 2n हो जाएगा, पावर में 2n जीव का त्यों रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, 9261 अपॉन में 8000 इधर आ जाता है तो अपॉन में आ जाता है और 21/20 यहाँ पे 2n जीव का त्यों रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो 9261 है 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है और यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे और 21/20 के पावर 2n ये हो जाएगा। ये जो है 21/20 यहाँ से काट देते हैं तो बचा कितना, 3 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू 3/2 यानी कि 1/2 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1/2 वर्ष। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 संतरों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 12 संतरों को 60 रुपये में बेच रहा है एक व्यक्ति को 25% की हानि हो जाती है। 25% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे कितने में बेचने होंगे। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट कर गया है, क्वेश्चन जो कि मैं पहले भी इसका आंसर बता चुका हूं आप लोगों को कि 12 संतरों को 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो 100 संतरों को बेचने पर 25% लाभ कमाने के लिए कितने संतरों को बेचना होगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का इसका एक बहुत ही आसान ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब भी एग्जाम में ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो एक सेकंड में यानी कि देखते ही इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। अब देखते ही देखते कैसे इसका आंसर बताएंगे। 12 संतरों को 60 रुपये में बेचा जा रहा है। विदाउट पेन और कॉपी से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12 संतरों को 60 रुपये में बेचने पे एक व्यक्ति को 25% का लॉस हो रहा है यानी कि 25% की हानि हो रही है। तो बोल रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और एग्जाम में दिया रहता है, जितना हानि हो रहा है उतना ही लाभ हो रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया है कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, जितना संतरा शुरू में बेच रहा होगा
जितना संतरा शुरू में बेच रहा होगा उतना ही संतरा 100 रुपया में बेचेगा, जिससे कि उसे 25% लाभ होगा। यानी कि 100 रुपया में 12 संतरा बेचने पर 25% का लाभ होगा। 12 इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या का 74% 1406 है तो संख्या बताइए। एक संख्या का 74% 1406 है तो वह संख्या बताना है। ऑप्शन है 1800, 1900, 1850 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। एक संख्या का 74% बोल रहा है, मान लीजिए कि संख्या x है और x का 74% कितना है, 74/100 कितना है, 1406 है। इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 1406 इंटू 100/74। 74 से जब इसको हम लोग काटते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 9 × 4=36, यानी कि 19 बार में कट जाएगा। x इज इक्वल टू 1900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 1900 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 69 नंबर क्वेश्चन। किन स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है? आप लोगों को बताना है कि प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किन किन स्थानों पर, जहां पर 4 जगहों पर आयोजन होता है, वो कौन सी जगह है। ऑप्शन दिया है रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका। सेकंड नंबर ऑप्शन दिया गया है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। थर्ड नंबर चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार। और फोर्थ नंबर है उज्जैन, पुरी, प्रयाग, हरिद्वार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन है प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में जो 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है, यानी कि प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार कुंभ मेला लगता है और हर एक वर्ष में अलग अलग जगह पर लगता है। कुंभ मेला की अगर बात करें दोस्तों, तो कुंभ मेला जो हिंदू धर्म का बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक पर्व है, जिसमें वहाँ पे इतना सारा भीड़ होता है, इतना बहुत सारे भीड़ होते हैं और सभी जगह से जो श्रद्धालु हैं, पूजा करने वाले जो लोग हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करने के लिए आते हैं। हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और यहाँ पे दोस्तों जो है प्रयाग दिया गया है, प्रयाग नहीं है, प्रयाग है। यहाँ पे जो स्नान करने के लिए आते हैं। यह जो पर्व है इसकी अगर बात करें हम लोग, तो यह जो पर्व है जो नदी के तट पर मनाया जाता है, और हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में अगर बात करें तो सिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में गोदावरी नदी है, और इलाहाबाद में अगर आप लोगों को पता होगा तो संगम नदी है, जो इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों नदियां यहां पे मिलती है, जिसको इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का संगम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। 350 का 8/9 का 45% का 25% क्या होगा? क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। 350 का 8/9 का 45% यानी कि 45/100 का 25% यानी कि 25/100 कितना होगा, आप लोगों को बताना है। तो इसको देखते हैं, इसको काटते हैं 5 से और इसको 25 × 100 और 4 × 8 इसको काट देते हैं। ये 5 × 10, ये 10 से कट गया 100 और 10 से 10 काट देते हैं, यानी कि जो 35 है, 35 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है 35 राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? वायुमंडलीय अपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है उत्प्लावन, घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, दुग्ध मापी और विभव मापी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, आर्द्रता मापी। वायुमंडल में जो आर्द्रता मापते हैं उसे आर्द्रता मापी कहते हैं, या कभी कभी दोस्तों इंग्लिश में लिखा रहता है हाइग्रोमीटर, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको हाइग्रोमीटर भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर, दी गई संख्या श्रेणी को गलत संख्या चुनना है। दी गई इसमें एक श्रेणी दिया गया है, उसमें गलत संख्या को चुनना है। तो देखिए श्रेणी क्या दिया गया है, श्रेणी दिया गया 3, 6, 11, 16, 27 और 38। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी कि अगर 3 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा,
सिक्स के बाद क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है, यानी कि सिक्स में अगर फाइव जोड़ेंगे तो एलेवन आएगा। एलेवन के बाद में हम लोग क्या जोड़ेंगे, सेवन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एटीन आएगा, लेकिन यहाँ पे सिक्सटीन दिया गया है। दोस्तों दो का बढ़ रहा है, दो का यहाँ पे अंतराल, दो का जो गैप है आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 18 आएगा लेकिन यहाँ पे 16 दिया हुआ है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 16 संख्या जो गलत है, 16 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने सिर को नीचे व पैर को ऊपर करके ऊपर की तरफ करके योगाभ्यास कर रहा है। एक व्यक्ति है जो अपने सिर को नीचे किए हुए है और पैर को ऊपर करके योगा अभ्यास कर रहा है, ऐसे जैसे आप लोग योगा करते हैं सिर को नीचे करके और पैर को ऊपर करके जो योगा किया जाता है वो कर रहा है। यदि उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर हो, बोल रहा है यदि उसका चेहरा कहाँ पे है, उसका चेहरा जो है पश्चिम दिशा की ओर है, तो उसका बायाँ हाथ किस दिशा में होगा, उसका बायाँ हाथ किस दिशा में होगा। दोस्तों ये है, यहाँ पे होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, यानी कि ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम और ये होता है नॉर्थ हो गया उत्तर, और साउथ का मतलब होता है दक्षिण, साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण होता है। और व्यक्ति क्या कर रहा है कि सिर को नीचे किए हुए है और पैर को ऊपर करके अभ्यास कर रहा है, योगा कर रहा है, तो उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर है, बता रहा है क्वेश्चन में कि चेहरा कहाँ पे है, पश्चिम दिशा की ओर है। अगर दोस्तों चेहरा उसका पश्चिम दिशा की ओर है, इधर है, तो उसका जो बायां हाथ है किधर होगा, बायां हाथ सिंपल सी बात है नॉर्थ की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ होगा। आप लोग करके देखिएगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा, बायां हाथ जो है उत्तर की तरफ होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन। किस कंपनी ने भारत का पहला CMDA एंड्रॉयड टैबलेट जारी किया, कौन सी कंपनी है, आप लोग को बताना है कि कौन सी कंपनी ने भारत का पहला एंड्रॉयड टैबलेट जारी किया था। ऑप्शन है रिलायंस कम्युनिकेशन, लेनोवो, एप्पल और सैमसंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी ने भारत में पहला CMDA एंड्रॉयड टैबलेट जारी किया था, और ये इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे आपसे, मैं शेयर करना चाहूँगा जो ये टैबलेट है ये 2012 में लॉन्च किया गया था रिलायंस के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, 2012 में लॉन्च किया गया था, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 2.3 OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित था। 7 इंच का इसका डिस्प्ले था दोस्तों, और बात करें इसकी प्राइस की तो उस समय का इसका प्राइस 12,999 रुपया रखा गया था। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन, 523799 में कौन सा न्यूनतम अंक घटाया जाए ताकि शेष संख्या 15 से भाज्य हो, यानी कि बोल रहा है कि 52, 37, 99 में कौन सी ऐसी संख्या घटाया जाए ताकि जो शेष संख्या बचे वो 15 से पूरी तरह से कट जाए। तो आप लोगों को 15 से अगर विभाजकता का नियम पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 15 से विभाजित होने के लिए, 15 से विभाजित होने के लिए एक कंडीशन होता है कि किसी भी संख्या का स्टार डाल के इसको लिख लीजिएगा कि 15 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के इकाई अंक को 0 और 5, 0 और क्या होना चाहिए, इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या 15 से विभाजित होगा। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, अगर इसमें से हम लोग -12 करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 7 आता है। अगर -13 करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 6 आता है। अगर यहाँ पे 14 करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 5 आता है। और 11 करते हैं लास्ट में 8 आता है, यानी कि 15 से विभाजकता का नियम ये बोल रहा है कि लास्ट में 0 और 5 आता हो तो सेकेंड नंबर ऑप्शन एक ऐसा मात्र ऑप्शन है जिसको अगर हम लोग इसमें माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन, इसमें से 14 को हम लोग माइनस कर देंगे तो जो संख्या है पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि मतलब ये बोल रहा है कि 523799 में अगर हम लोग 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 523785 आएगा। और अगर इसको हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं तो इसको देखिए 15 या 45
और 15 चौके 60, 15 8 20 80, 15 9 135 हो जाएगा और 15 1 15, फिर 15 9 135, इससे पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़े जाने का मुख्य कारण क्या था। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ऑप्शन बताइएगा, सन 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, यानी कि जो मेन उसका रीजन था, मेन रीजन आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार शानदार से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।